दिस वीडियो इज पावर्ड बाई इतना सस्ता डॉट कॉम, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल 21 से 24 जनवरी फिर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो के मैं देने वाला हूँ लास्ट में, तो वीडियोज वॉच जरूर कीजिएगा और मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। इससे पहले टेक प्राइम है 3-4 न्यूज़ टेक न्यूज़, तो उसको फटाफट लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल के ऊपर में हम थोड़ी लंबी वीडियोस लेके जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं खबर की। तो सबसे पहली खबर आधार कार्ड की तरफ से आ रही है। आधार कार्ड तो हम सभी के पास में है, मेरे पास में भी है, आपके पास में भी है। अभी तक हम लोग आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए या बायोमेट्रिक यूज़ करते थे, या तो फिंगरप्रिंट लगाते थे या फिर IRS स्कैन करके हम लोग इंडिकेट करते हैं। लेकिन जुलाई 2018 के बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो आप आधार कार्ड बनवाते समय जो फेस आपका कैप्चर हुआ था, उस समय जो पिक्चर क्लिक हुआ था, उस समय का फेस और अभी के फेस में हालांकि अंतर हो गया होगा, काफी सारे अंतर हो गया, लेकिन वही फेस रिकॉग्नाइज करके आधार को वो वेरीफाई किया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर व्हाट्सएप की तरफ से रही है। व्हाट्सएप में अब्सोल्यूट एरर, एक एरर आ गई है। पता नहीं ये एरर कहाँ से आ गई, लेकिन ये 13 जनवरी से कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिली है। इंडिया में भी काफ़ी सारे यूजर्स हैं जो ट्विटर पे और फेसबुक वगैरह पे कमेंट करके ये बताए हैं कि हाँ ये जो एरर है वो देखने के लिए आए। पता नहीं ये एरर आपके व्हाट्सएप में आया है या नहीं, मुझे तो नहीं मिला, अगर मिला तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद अगली और मजेदार खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi का MIUI 9 अपडेट तो बहुत सारे फोन में, लगभग 27 फोन में अभी तक मिल चुका है, लेकिन MIUI 10, यानी MIUI X भी बोल सकते हैं इसको, जुलाई अगस्त इसी साल तक लॉन्च कर लिया जाएगा, ऐसा Xiaomi का दावा है। टेस्टिंग बहुत तेजी से चल रही है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, क्या पता आने वाले टाइम में एंड्रॉइड ओरियो के साथ में MIUI 10 जो अपडेट आपके फोन में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगली खबर वोडाफोन की तरफ से आ रही है। वोडाफोन 4G सर्विस तो सभी जगह इंडिया में है ही है, लेकिन वोडाफोन का वोल्टी सर्विस अभी तक नहीं था। इसको अभी स्टार्ट गुजरात से कर दिया गया है, लेकिन जितने भी मेट्रो सिटी है, जैसे अब स्टार्टिंग में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कर्नाटका वगैरह में इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इसके बाद धीरे धीरे सभी सिटीज में ये फैला दिया जाएगा। वोडाफोन का ऐसा क्लेम, ऐसा दावा है कि इसमें आपको TrueHD कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे नहीं लिया जाएगा। एयरटेल और जियो में ये वोल्टी सर्विस पहले से ही अवेलेबल है। इसके बाद अगली खबर माइक्रोमैक्स की तरफ से आ रही है। माइक्रोमैक्स भारत को इस साल जनवरी तक हो जाएगा लास्ट तक लॉन्च। इस फोन की खासियत ये होगी कि ये बिल्कुल मिड रेंज, यानी लो लेवल आप फोन इसको बोल सकते हैं, जहां पे एंड्रॉइड 8.0 ओरियो सपोर्ट, यानी गो एडिशन का मिलेगा, निश्चित रूप से गो एडिशन ही होगा। गो एडिशन मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी जो कम परफॉर्मेंस वाले जो फोन होते हैं, जिसकी रैम मेमोरी, जैसे रैम जिसकी 512 MB है, उसमें आप हैवी ऐप चलाओगे तो वो काम ही नहीं करेगा, लेकिन जो उनकी कंफर्टेबल के ऐप भी बनते हैं, जैसे यूट्यूब गो, गूगल मैप गो, इसी तरह के जो भी गो वाले ऐप होते हैं, फेसबुक मैसेंजर गो, तो मतलब उसी तरह के जितने भी ऐप होते हैं ना, वही बनाए जाते हैं ताकि जो कम पावरफुल वाले हार्डवेयर इक्विपमेंट में जो फोन में लगे हैं उस पर भी वो अच्छे से काम कर सके। लाइटवेट वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, वही गो वर्जन के लिए एप्लीकेशन पे वहां पे काम किए जाते हैं। इसके बाद अगली खबर अलीबाबा की तरफ से आ रही है। टिकटॉक एक चैट ऐप है जो कि चाइना में बहुत फेमस है, उसको इंडिया वर्जन के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया में यानी इंग्लिश वर्जन के लिए लॉन्च हो गया और भी काफी सारे वर्जन है, जैसे जापानीज वगैरह, उनके अलग अलग कंट्रीज में। इस ऐप का यूज बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, इससे चैट, वॉइस कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं और मोर देन 3000 लोगों को एक साथ में कॉन्फ्रेंस वगैरह करा के इस पर काम कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई टेक प्राइम की बात, जल्दी जल्दी मैंने सबमिट दिया। इसके बाद मैं बता दूं कि अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल 21 से 24 जनवरी इसी साल फिर से बैक, लेने नया साल का तोहफा लेके अमेजोन आ रहा है। यहाँ पे आपको मिलने वाले काफी सारे डिस्काउंट, लेकिन HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो 10% का मिलेगा कैशबैक। अमेजोन पे बैलेंस भी यूज करते हैं तो वहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो सिर्फ 200 रुपये का होगा। ईजी रिटर्न होगा और तुरंत पैसा रिटर्न मिल जाएगा और बहुत मतलब एग्जैक्ट टाइम पे आपको डिलीवरी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलते हैं PC पर, थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या क्या ऑफर आपके लिए बेस्ट है। जी हाँ, अमेजोन ने फिर से कर दिया है कमाल। 21 से 24 जनवरी अमेजोन ग्रेट इंडिया सेल लेके आए हैं, जहां पे 10,000 से ऊपर के ब्रांड पे मिलेंगे आपको काफी सारे डिस्काउंट। अगर आपने भी लिया है अमेजोन प्राइम मेंबर का सब्सक्रिप्शन तो 20 जनवरी को दिन में 12 बजे से ही आपके लिए ऑफर हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट पे काफी सारे डिस्काउंट, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी है मोबाइल फोन एंड एसेसरीज की, जहां पे 35% तक है मोबाइल फोन पे डिस्काउंट और एसेसरीज पे है 80% का डिस्काउंट। थोड़ा सा पिक देख लीजिए, जो कि आपके फेवरेट ब्रांड जैसे Honor 6 है, Samsung On 5 Pro Gold, इसके बाद Lenovo फोन, BlackBerry फोन, LG Q6, इस पे जो प्राइस है वो अभी नहीं पता चल रहेगा, सेम डे जब सेल ऑन होगा उस समय ही एग्जैक्टली पता चलेगा, तो सभी में कुछ इसी तरह का है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज पे, यहाँ पे है फेवरेट TVs, लैपटॉप, आपको SLR कैमरा, स्पीकर वगैरह, इस पे भी है काफी सारे डिस्काउंट। नीचे आएंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए कुछ पिक वगैरह है, जैसे कि आपके लैपटॉप HP के 14-inch लैपटॉप पे क्या एग्जैक्टली प्राइस होगा। देखिए 14,173 था, अभी देखो 3 से स्टार्ट है, पता नहीं 30,000 है या 39,000, आई डोंट नो, लेकिन काफी सारे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। आप कुछ इस फेवरेट ब्रांड में से कुछ खरीदना चाहते हैं, मूड बनाए हैं, तो प्रोडक्ट के प्राइस अभी देख लीजिए।
सेल डे क्या होगा आप उस दिन कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टॉप कैटेगरीज हैं जैसे आपके फेवरेट वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी वगैरह, इस पे एग्जैक्टली क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, नीचे कुछ पिक्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख लीजिए ओवन वगैरह पे क्या डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो टॉप कैटेगरीज के जो किचन वेयर्स हैं उस पे देखिए आपको यहाँ पे काफी सारे 70% तक का डिस्काउंट दिख रहा है। जैसे कि आपको प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर वगैरह पे भी आपको काफी सारे यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैशन कैटेगरी, जहाँ 40-80%, अब यार 40-80% पता नहीं है क्या इन लोगों का सही है गलत आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे 40-80% दिख रहा है। यहाँ पे 90% तक का डिस्काउंट ज्वेलरी में मिल रहा है, आई डोंट नो पता नहीं कैसे ये दे रहे हैं डिस्काउंट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डेली सीरीज कैटेगरीज की, जहाँ पे सर्फ, साबुन वगैरह और काफी सारे प्रोडक्ट है जिसपे बहुत सारे आपको डिस्काउंट 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा छोटा सा लास्ट में सजेशन यही रहेगा कि अमेजन ग्रेट इंडिया सेल पर अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो प्लीज बेवकूफ ना बने, क्योंकि अमेजन ऐसा नहीं है कि बेवकूफ बनाता है, लेकिन बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं बिकते रहते, उसके भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा कटा के कम ज्यादा करके उसको बेवकूफ बना के कस्टमर को बेच दिया जाता है। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने एक वीडियो बनाया था अमेजन ग्रेट इंडिया सेल के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बनाया था कि कैसे वो लोग बेवकूफ बनाते कस्टमर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के प्राइस नहीं घटते, निश्चित रूप से घटते हैं। टॉप ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उनके भी प्राइस घटते हैं। हाँ, जो प्रोडक्ट के प्राइस रियली में ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे 45,000 का मोबाइल उसको 26,000 मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा ऑफर है। 56,000 का लैपटॉप 46,000 मिल रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छा ऑफर है। तो उस तरह का अगर कुछ ऑफर मिल रहा है तो लीजिए, लेकिन सभी प्रोडक्ट लेने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे आप देख लीजिए प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह आप खुद कंपेयर करके भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है कि वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।